न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में पक्की सड़क के नीचे लगाया गया 2 किलो का IED बम बरामद हुआ है, जिसे झारखंड जगुआर की BDDS टीम द्वारा विधिवत नष्ट कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुड़ा गांव से देवावीर जाने वाली मुख्य पक्की सड़क के नीचे बम लगाया गया है। चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथो सिंह मीणा के नेतृत्व में जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और CRPF की 60 बटालियन द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान कुड़ा गांव से करीब 500 मीटर आगे देवावीर जाने वाली मुख्य पक्की सड़क पर चौराहे के पास से बम बरामद किया गया। झारखंड जगुआर की BDDS टीम और CRPF की BDDS टीम द्वारा बम को विधिवत नष्ट कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार में कमी आ गई है। कोरोना की रफ्तार में कमी आने से जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है, वहीं आम लोग भी सुकून महसूस कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 28 मई को कोरोना से 14 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जबकि 39 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद घर लौट गए। कोरोना से संक्रमित 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। जिले में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 291 रह गई है। जिले में कुल संक्रमित व्यक्ति की संख्या 12,592 है, जबकि 12,172 लोग स्वस्थ हो गए हैं। जिले में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 का एक प्रतिनिधि मंडल 2 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को चैबासा के विधायक दीपक बिरवा से मिले। शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को अपनी समस्या बताई। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कोरोना काल में चयन परीक्षा लेना संभव प्रतीत नहीं होता है, इसके लिए प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत चयन परीक्षा का आयोजन नहीं करते हुए पूर्व की तरह जेटेट के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा मेधा सूची तैयार कर सीधी नियुक्ति की जाए। साथ ही प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 2021 तक के सभी रिक्त पदों पर बहाली की जाए। प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। चाईबासा के अधिवक्ता राजाराम गुप्ता का फेसबुक आईडी हैक कर लिया गया है। हैकर के द्वारा फेसबुक आईडी हैक कर उनके सभी मित्रों से अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए रुपए की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में राजाराम गुप्ता ने हैकर के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज कराया है। झारखंड राज्य के कृषि मंत्री सह 20 सूत्री कार्यक्रम की जिला प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने चाईबासा स्थित परिसदन के सभागार में मंत्री के साथ बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन, उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि COVID-19 के संक्रमण काल में जिले को बेहतर मुकाम पर रखने और चक्रवाती तूफान के दौरान बेहतर प्रयास के साथ कार्य करते हुए लोगों को सुरक्षित रखने का सराहनीय कार्य जिला प्रशासन एवं उनके समस्त टीम के द्वारा किया गया है। मंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी को धन्यवाद देने यहां आया हूं। बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण जिले के दिवंगत पत्रकार एवं अन्य व्यक्तियों के परिवारों के बारे में भी जानकारी ली गई। मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा बताया गया कि चक्रवाती तूफान के दौरान तेज बारिश के कारण क्षतिग्रस्त व्यवस्था को DMFT मद से यथाशीघ्र दुरुस्त कराने को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में कृषि विभाग के पदाधिकारियों से बीज की उपलब्धता, खाद की कालाबाजारी ना हो आदि से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के द्वारा कहा गया कि प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि विपदा के समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य करने वाले लोगों का हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि विशेषकर कोरोना काल के दौरान जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा संयम बरतते हुए बेहतरीन कार्य किया गया है। जो कोविड से सक्सेसफुली इस जिले को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने का काम किया, साथ ही जो यास चक्रवात आया
उसमें जिस तरह से हमारी बराबर बात हो रही थी मित्तल जी से, जिस तरह से टीम वर्क से सारे लोगों ने काम किया और इसको सक्सेसफुली प्लैंड वे में इतनी अच्छी तरीके से लोगों ने काम किया कि कहीं भी ज़्यादा क्षति की नहीं आई, जाल माल की क्षति नहीं हुई, सभी का मोटिवेट करना, सभी को थैंक्स देना और साथ ही जो कोरोना डेथ्स हुए हैं उनकी जानकारी देना। बहुत सारे लोग मरीज हुए, हमारे पत्रकार भाई भी इस में बीच नहीं रहे, उन सब के फैमिली के बारे में जानना है और साथ ही DMFT फंड से जो हाउसेज डैमेज हुए हैं उनको शीघ्र तैयार करा देना, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुआ है, जहाँ आवश्यक हुआ निर्देश भी दिया। साथ ही कृषि विभाग पर अब जिम्मेदारी बनती है कि जीवन को बचाने के बाद जीविका चलाना है, बीजों का उपलब्धता ये सब को लेकर कृषि विभाग के लोगों से जानकारी दी गई, खाद में कालाबाजारी न हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इन सब चीज़ों पर काम हुआ। मोस्टली क्योंकि मैं प्रभारी हूँ यहाँ का, मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जो ऑफिसर्स अपने जान पे खेल के लोगों की जान माल की रक्षा में COVID-2 के दौरान, COVID-1 के दौरान और अभी खास करके यास चक्रवात के दौरान दिन रात काम करके हमारे राज्य के लोगों को, जिला के लोगों को बचाने का काम किया, राहत देने का काम किया, उनके हौसला अफजाई करना, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक छोटा सा प्रयास था जो मैं यहाँ आया था। काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ की टीम अच्छी है, आयुक्त साहब, कमिश्नर साहब भी थे, DC, SP साहब, सब लोग और सारी इनकी टीम, सब ने मेहनत की है, स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की है और सबको हमने कहा कि सबको सम्मान पत्र भी देना है, इवेंट बना के सारे कामों का निष्पादन करना। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।